दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आई हूँ जो कि आपका पूरे 12 महीने चलता रहेगा और वो भी बहुत अच्छे से चलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कभी बंद नहीं होगा और मार्जिन इंक्रीज होता रहेगा। तो फिर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गो। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वीट बॉक्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों स्वीट बॉक्स वो चीज़ होती है कि कोई भी आप अगर मिठाई खरीदते हो तो उसकी जो पैकिंग होती है, जितनी टेस्टी मिठाई होती है उतनी ही अगर अच्छी पैकिंग भी हो तो मिठाई खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जनरली हम लोग फेस्टिवल्स में या अगर हम कोई शादी या कहीं जाते हैं जहाँ पर हमें ऐसे पैकिंग के बॉक्स मिलते हैं और उसके अंदर जो मिठाई होती है, तो बॉक्स जितना अच्छा हो मिठाई खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है और वो बहुत देखने में अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों हम इसी स्वीट बॉक्स मेकिंग बिजनेस के बारे में आज बात करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें कौन से मशीन की आवश्यकता होती है, कौन से रॉ मटेरियल्स लगते हैं, इसके अलावा इस बिजनेस में कितना कॉस्टिंग लगता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है और इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अगर बात करें इस बिजनेस में एरिया की, तो आप इस बिजनेस को घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपको घर में भी 250 स्क्वायर फीट का एक एरिया लगेगा, यानी अगर आप एक रूम में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों अगर बात करें इस बिजनेस में मशीन की, तो आपको इसमें स्वीट बॉक्स मेकिंग मशीन खरीदनी होगी। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदते हैं तो वो आपको 2.5 से 3 लाख तक पड़ जाएगी। अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीदते हैं तो वो आपको 5 लाख से ऊपर में पड़ सकती है। जिस तरीके की आप क्वालिटी की मशीन लोगे आपके रेट्स भी उतने तरीके से हाई होते चले जाएंगे। और दोस्तों अगर इसमें बात करें दूसरे मशीन की, तो आपको जो दूसरे जो कोई आप कहीं का ऑर्डर लेते हो तो वो दुकान का अगर आपको वहाँ पर नाम प्रिंट करना है तो आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। 30,000 से ये प्रिंटर्स की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके रॉ मटेरियल की, तो आपको प्रिंटेड हार्ड पेपर लगेगा। प्रिंटेड हार्ड पेपर आपको 25 से 30 रुपए किलो से आपको मिल सकता है। इसमें 1 किलो में अगर आप एक नॉर्मल बॉक्स के जो प्रिंटेड है वो बना रहे हो तो आपको कुछ 700 से 800 बॉक्स आपके बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आप एक हाई क्वालिटी बॉक्स बना रहे हो तो उसमें पेपर थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो आपको जो बॉक्स है वो आपकी जो 300 से 400 पीस इसमें बनके आप तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार इस बिजनेस में आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी बना सकते हो। अब दोस्तों अगर बात करें इसके कॉस्टिंग और इसके प्रॉफिट की, तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक स्टार्टिंग लेवल पर ही 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक का एक अमाउंट लगेगा। उसके बाद आपको एक रनिंग अमाउंट भी लगेगा, क्योंकि 3 से 6 महीना आपको बिजनेस इसमें रन करना होगा ताकि आप अपने अच्छे से कस्टमर बना सके। अब दोस्तों अगर बात करें इसके प्रॉफिट की, तो आपको इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा है। आपको 70% से 50% तक का इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी मिल सकता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसका मार्केटिंग किस प्रकार किया जाए। दोस्तों जैसे कि ये बिजनेस जो है ये B2B वाला बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचना है, तो इसके लिए आपको कुछ सेल्समैन रखने होंगे जिनके टारगेट कस्टमर जो है वो स्वीट शॉप हो सकते हैं, बेकरी शॉप्स हो सकते हैं, जो सुपर बाजार है वो हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी पैकिंग के लिए कभी कभी बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनीज होती है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट आजकल क्या होता है कि 300-400
जो भी बाराती आते हैं उनके हिसाब से जो विदाई होती है या कुछ और फंक्शन होते हैं तो उसमें गिफ्ट देने के हिसाब से भी इस टाइप के बॉक्सेस की पैकिंग लगती है। तो दोस्तों ये लोग आपके टारगेटिंग कस्टमर्स बन सकते हैं और फेस्टिवल में ये बिजनेस आपका सबसे अच्छे लेवल पर आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि फेस्टिवल में इस तरीके के बॉक्सेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थे एक ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस के बारे में। हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमेशा लाते रहते हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर ज़रूर लाइक कर दीजिए।